आपणी योजना। अफसरों की लापरवाही, लोगों पर पड़ रही भारी। चूरू इन दिनों भीषण पेयजल संकट से जूझ रहा है। यहां आपणी योजना को जिस मंसूबे के साथ शुरू किया गया था वो उसमें सफल नहीं हो पा रही, पर योजना के दो चरणों में लागू होने के बाद भी पीने के लिए पानी के लिए जिले में हाहाकार मचा हुआ है। सादुलपुर, तारानगर, चूरू और सरदार शहर में पानी के लिए प्रदर्शन आम हो रहे हैं। वर्ष 2002 में शुरू हुई योजना को 17 साल का समय लग गया। उस समय जो व्यवस्थाएं थी उसे अब दोगुनी करने की जरूरत है, लेकिन हालात बदतर होते चले गए। फर्स्ट इंडिया की टीम ने सडासर गांव में बने पंप हाउस का निरीक्षण किया तो खामियों की पोल खुलती चली गई। पंप हाउस की जर्मनी से आयातित बड़ी बड़ी मशीनें आज खराब पड़ी है। 41 लाख लीटर पानी स्टॉक के टाइम का पानी नापने की मशीन खराब है। मशीनों के बेहतर रखरखाव के लिए लगाए गए सभी एसी खराब हैं। यहाँ बना नीचे बिजली घर भी जुगाड़ से ही चल रहा है। बिजली कंट्रोलर खराब है। विशालकाय ट्रांसफार्मर मामूली ऑयल से चल रहे हैं। पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग मिलाए हुए 10 साल से ज्यादा का समय हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे में इस पानी को स्वास्थ्य के दृष्टि से बेहतर नहीं माना जा सकता। ब्लीचिंग मिलाने की मशीनें 10 साल से पहले जवाब दे चुकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक पानी वॉल खराब हो चुके हैं जो अब खुले ही रहते हैं। आपने योजना सडासर पंप हाउस की स्थिति देख के ऐसे लगता है कि ये चूरू जिले को क्या ये सरदारसर को भी पानी की आपूर्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ जो व्यवस्था है, इंस्ट्रूमेंट, जो मशीनरी वगैरह देखी है, उनमें से 50% मशीन भी आज काम नहीं कर रही है। यहाँ पर व्यवस्था नाम से कोई चीज अगर देखी जाए तो सही नहीं है। चाहे बिजली की व्यवस्था को देख लो, चाहे एसी की व्यवस्था को देखो, या पंप जो सप्लाई के लिए पंप 6 पंप होने चाहिए, उनमें से 3 पंप 24 घंटा जो काम करते हैं उनमें से सिर्फ 2 ही पंप काम कर रहे हैं। पानी सप्लाई की मोटर अब अमानक है, जो पहले थी खराब हो गयी। कम हॉर्स पावर की मोटरों से पानी सप्लाई दिखावा हो रहा है। 6 बड़े पंप लगे थे, अब 3 पूरे खराब हैं। बचे 3 पंप जैसे आखिरी दम तोड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बने भवन के शौचालय कबाड़ रखने के काम आ रहे हैं। सरदार शहर खंड के अधिशासी अभियंता गोविंद जांगड़ बताते हैं कि पीने की पानी की वैकल्पिक व्यवस्था टैंकरों द्वारा पानी पहुँचाकर की जा रही है। अवैध कनेक्शन हटाने का काम भी किया जा रहा है। सरकार ने योजना के दूसरे चरण के तहत रतनगढ़, सुजानगढ़ वृहद पेयजल पर योजना 2013 को स्वीकृत कर कार्य शुरू किया था। 2016 में काम पूरा कर लोगों को मीठा पानी उपलब्ध कराना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वर्तमान में योजना की हालत ये है कि रतनगढ़, सुजानगढ़ के कुछ क्षेत्रों में योजना का काम अभी भी बाकी पड़ा है। कहीं टंकियों से पाइपलाइनों को नहीं जोड़ा गया तो कहीं बिजली से कनेक्शन नहीं हो पाए हैं। जर्मनी के सहयोग से शुरू हुई करीब 3500 करोड़ की अपनी योजना आज अफसरों के लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। इस योजना को लेकर यदि समय पर सही प्लानिंग की जाती तो आज चूरू जिले का भयंकर जल संकट कभी का खत्म हो जाता। अपने सहयोगी सोहन मीणा के साथ मदन कलाल, सरदार शहर, चूरू।